या तुम्हें पता है बोरुटो टू वोर्टेक्स मांगा चैप्टर 12 पे मैं रिकॉर्डिंग हम दो पॉसिबिलिटीज में से किसी भी एक को होता देख सकते हैं, जहां सबसे पहला पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्रिडिक्शन यह है कि हम इस चैप्टर में बोरुटो और हिदारी के बीच एक दमदार बैटल होता देख सकते हैं जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे होंगे। और यहां इस बैटल में अगर हिदारी ने अपने ट्रू पावर को अनलीश किया तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा बोरुटो भी अपना टॉर्चेज मोड को एक्टिवेट कर लेगा, विच ही हैज लर्न फ्रॉम काशिन कोजी। वहीं दूसरी तरफ जुरा बोरुटो की तरफ जाने वाला ही होगा कि तभी वहां कवाकी विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई में आके जुरा को रोक पूछेगा कि हिमावारी और बोरुटो कहाँ है। जुरा यही कवाकी के इस सवाल का कुछ जवाब नहीं देता और वो सीधा कवाकी को वन शॉट नॉक आउट करने के लिए आगे बढ़ता है। हाउएवर कवाकी यहाँ इस बार कोई गलती नहीं करता एंड ही एक्टिवेट्स हिज कर्मा प्लस कोकू गान, जिसके बाद हम जुरा और कवाकी के बीच फुल ऑन बैटल होता देख सकते हैं। पर कवाकी के ऑल आउट जाने के बावजूद भी वो जुरा को डिफीट नहीं कर पाता और हाँ फिर से जुरा ने कवाकी को नॉक आउट कर दिया होता है। एंड आफ्टर दिस जुरा बिना रोक टोक के सीधा बोरुटो के पास जाने लगता है। वही बोरुटो हमारा अपने सीज मोड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही तारी पे भारी पड़ रहा होता है एंड इन द एंड बोरुटो हमारा हिदारी को एक बहुत ही खतरनाक मूव देने वाला ही होता है कि तभी अचानक जुरा उनके बीच में आके हिदारी को बचा लेता है। एंड फ्रॉम हियर हम बोरुटो और जुरा के बीच एक फुल ऑन बैटल को होता देखेंगे, जहां जुरा से लड़ते वक्त बोरुटो का चक्र ड्रेन हो रहा होता है बहुत ही रैपिडली और इसी के चलते हम फाइनली बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स मांगा में पहली बार मोमोशिकी को अवेकन होता देखेंगे फ्रॉम बोरुटोस बॉडी। वहीं मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी है कि प्रेडिक्शन यह है कि हम बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स मांगा चैप्टर 12 में हमारे बोरुटो को देखेंगे सारदा और हिमावारी दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए, प्लस बोरुटो लिव विलेज को और ज्यादा डिस्ट्रॉय होने से भी रोक रहा होगा। और यही इस टेंशन भरे माहौल में हमारे बोरुटो के माइंड पे एक प्लान स्ट्राइक होता है, जहां अकॉर्डिंग टू हिम ही थिंक्स कि जुरा करंटली हिमावारी को और हितारी सारदा को टारगेट कर रहा है और अगर बोरुटो ने हिमा और सारदा दोनों को जुरा और हितारी की नजर से दूर कर दिया तो शायद ये दो सिंजूस रिट्रीट कर लेंगे। हाउएवर यहां बोरुटो घबरा भी रहा होता है क्योंकि अगर हिमा और सारदा को छुपाने के बाद भी ये दो सिंजूस रिट्रीट ना करके इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगे तो क्या होगा। बोरुटो के काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो सारदा और हिमावारी उसके हाइडआउट में ले जाएगा जो होता है ओरोचिमारु का बेस, जिसमें अभी काशिन कोजी और ओरोचिमारु होते हैं। और इन दोनों को यहाँ फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक से ड्रॉप करने के बाद हमारा बोरुटो ये भी डिसाइड करता है कि वो वापस लिव विलेज में जाएगा तो डील विद जुरा एंड हिदारी। वहीं बोरुटो के ये सब करने के बाद हम हाइडआउट में काशिन कोजी और ओरोचिमारु के बीच काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को होता देख सकते हैं रिगार्डिंग सारदा उचिया एंड हिमावारी उज़ुमाकी। यहाँ अगर मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये सब हुआ तो आगे जाके हमें एक ट्रेनिंग आर्क देखने को मिल सकता है, जहाँ ओरोचिमारु सारदा उचिया को अपने मंगी क्यू शरीन कान को प्रॉपरली यूज करने का गाइडेंस देगा और काशिन कोजी हिमावारी उज़ुमाकी को गाइडेंस देगा टू प्रॉपरली अनलीश हर नाइन टेल पावर्स, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक दिनों की तरह जब ओरोचिमारु वाज ट्रेनिंग सास्के उचिहा एंड जिराया वाज ट्रेनिंग नारुतो उज़ुमाकी।